हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है, महाराष्ट्र जलगांव से। आज मेरे पास में ये 32 इंच का एलईडी आया है जो इंटेक्स कंपनी का है। तो इसमें आपको फॉल्ट दिखाई देता होगा, जो नीचे के साइड है लाइंस क्रिएट हो रही है। जो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, यहाँ पे तो ये देखिए, ये लाइंस क्रिएट हो रही है और फिर चली जाती है। और ये तो पिक्चर में भी ये तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये देखिए, तो ये फॉल्ट हम कैसे रिकवर करेंगे, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि इस फॉल्ट को तो कैसे हम रिपेयर करेंगे। तो ठीक है गाइस, मैं तब तक है तो सेट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अभी तक सेट को ओपन भी नहीं किया है। ये देखिए, तो मैं सेट को ओपन कर लेता हूँ, तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ठीक है गाइस, तो दोस्तों मैंने तो सेट है तो ओपन कर दिया, उसका बैक कवर ओपन कर लिया है। तो अभी मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ, ब्लू एलईडी आई ऑफ हुई और मेरा सेट है तो ऑन हो गया। तो अभी हम इसके थोड़े बेसिक अपडेट देख लेते हैं टिकॉन बोर्ड के। तो देखिए, यहाँ पे पैनल वीसीसी है, ये देखिए यहाँ पे पैनल वीसीसी 12 वोल्ट के करीब है, जो कि ठीक है, सही वोल्टेज है। उसके बाद यहाँ पे 3.3 वोल्ट आएगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पैनल वीसीसी इन होता है इस जगह पे, देखिए यहाँ पे, तो ये भी सही से यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वीकॉम वोल्टेज है इस कॉइल पे, जो सही है। उसके बाद यहाँ पे आपका एवीडीडी बनेगा इस कॉइल पे, देखिए। तो एवीडीडी वोल्टेज भी सही है, जो 15 वोल्ट आने चाहिए। और यहाँ पे इस कॉइल पे 3.3 वोल्ट बनेगा। जो कि वो भी एकदम सही है। आप देख लेते हैं विजेस विजेल, तो यहाँ पे विजेल वोल्टेज है जो -5 वोल्ट। मामा पप्पा जो आज वाली मोटी बोतल की भरी है, तो एकदम सही से बन रहे हैं पप्पा ने गाड़ी में। अब विजेस वोल्टेज देख लेते हैं, देखिए ये विजेस वोल्टेज जो कि 27 वोल्ट सही से आ रहे हैं। तो वोल्टेज सभी सही है। आप इसका ओडीवन देख लेते हैं क्या क्या है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये देखिए। तो पांचवे पॉइंट पे तो तुम्हारा स्कैनिंग वोल्टेज जो सही से वेरी हो रहा है, 27 फिर -5, ये ओडीवन का वोल्टेज है, तो ये भी सही है। और इस टेस्ट पॉइंट पे भी तो सही से वो वेरी हो रहा है वोल्टेज, ये देखिए। तो
तो ऑडिबल में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्ले के अंदर तो फॉल्ट है, अभी भी बना हुआ है। तो मैं अभी आपको ये तो मैं बाईपास करके दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर देखते आगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये ऑडियो को बाईपास कर दिया। देखिए मैंने ऑडियो को बाईपास किया हुआ है। देखिए मैंने बाईपास किया है, लेकिन मेरा फॉल्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए अभी भी मेरा फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ है। आप देख रहे होंगे कि नीचे के साइड है तो लाइंस बन रही है, ये देखिए। सोना तो मनती भी तरह, ये देखिए अगर आप देखते होगे तो देखिए लाइंस बन रही है। मैंने ऑडियो वन बाईपास किया है, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये तो इसका बॉन्डिंग इशू है, ठीक है। ये बॉन्डिंग करना पड़ेगा, तभी लाइन हटेगी। हमारा मेन मसला है कि हम ये इस फॉल्ट को क्लियर करें। तो ठीक है, मैं और एक बार ये तो ऑडियो वन को तो चेंज करके देखता हूँ। तो मैं ऑडियो वन को चेंज करके देखता हूँ और फिर देखते हैं हमारा फॉल्ट क्लियर होता है कि। तो देखो दोस्तों, मैंने चेंज कर दिया है अभी ऑडियो वन को। ये सेट मैंने चालू किया मेरा सेट ऑन हो गया। आप देखते हैं हमारा फॉल्ट क्लियर होता है कि। तो देखिए फॉल्ट क्लियर हो चुका है। जो नीचे लाइंस आ रही थी वो लाइंस अब आनी बंद हो चुकी है, ये देखिए। ये देखिए, और इस साइड जो लाइंस दिख रही है वो तो नहीं जाएंगी, वो हल्की हल्की दिखेंगी वो लाइंस। बाकी जो हमारा जो फॉल्ट है वो तो क्लियर हो चुका है, ये देखिए। तो ओके दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए देखिए, मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो है तो मेरे चैनल पे डालूँगा, ठीक है। ये देखिए मैंने और एक बार दिखा रहा हूँ, ये मैंने ऑडियो वन को तो बाईपास कर दिया, यहाँ से कटिंग करके दिया। देखिए ये देखिए मैंने यहाँ पर कट करके बाईपास कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।